अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने हैंडलिंग डायनेमिक राउट्स वाला कंसेप्ट देखा था, है ना। और अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें क्या करना है, तो आज के सेशन में हमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करना है, एंड द कंसेप्ट इज ऑफ MySQL विद Express.js, है ना। आज के सेशन में आप क्या डिस्कस करेंगे, आपके Express.js के एप्लीकेशन को आप MySQL से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि आपने नोट जेएस भी पढ़ा था, नोट जेएस के केस में भी आपने MySQL का यूज किया था, सेम टू सेम कंसेप्ट तो वही रहेगा MySQL का। वैसे ही आप यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह सारी चीजें आप क्रिएट करेंगे, कनेक्टिविटी की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे, डिफरेंस इतना हो जाएगा कि वहाँ पे नोट था, यहाँ पर एक्सप्रेस है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ऐसा बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, है ना, तो उतने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपके अपन कोशिश करेंगे कि इम्प्लीमेंट करें। अब लाइक कैसे, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपने राउट्स का कॉन्सेप्ट देखा था, तो अपन राउट्स का कॉन्सेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने पढ़ा था ना राउटर लेवल मिडलवेयर, है ना, तो आप राउटर लेवल मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकते हो। आपने सेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो आप सेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हो। आपने अभी हैंडलिंग डायनेमिक राउट्स का कॉन्सेप्ट देखा था, तो आप वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते हो, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट अपन इम्प्लीमेंट करते हुए यहाँ पर एक एप्लीकेशन, बोले तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे, जिसमें अपन करंट ऑपरेशन पूरा परफॉर्म कर लेंगे। अपन यहाँ पे दो मॉड्यूल पर ही काम करेंगे, एक यूजर रहेगा और एक एडमिन रहेगा। यूजर के केस में अपन करंट ऑपरेशन परफॉर्म करवा लेंगे, और एडमिन के केस में अपन लिस्ट दिखा लेंगे, और बाकी की जो एक दो फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म करवा लेंगे। क्लियर है? तो चलते फिर अपन यहाँ पर अपने एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट किया बाय द नेम एक्सप्रेस विथ माई स्क्वेयर। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए एक्सप्रेस विद माई एसक्यूएल पर। मैं यहाँ आया, मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब फोल्डर क्रिएट करने के बाद में आपको स्ट्रक्चर तो पता है ही सही कि अपन कैसे क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले अपन इनिशियल स्टेप की अगर बात करें, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो हियर आई नीड टू इनिशिएट माई प्रोजेक्ट बाय द कमांड npm init। npm init से मैं क्या कर लूंगा, अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, मैंने यहाँ पर एंटर 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 किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन ने करी, यहाँ पर मैंने यस किया, यहाँ पर मुझे पैकेज डॉट जेसन मिल गया, राइट। अब अगर अपन बात करें पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या है, तो ये तो आपको भी पता है, आपने देखा है, ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर ही आपका नेम आ गया है ना, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन स्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ें दिखा रखी है। अभी तक आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि आप कर क्या रहे थे, अभी तक आप यहाँ पर सिंपली रिक्वायर वाली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जिसमें आप लिखते थे रिक्वायर एक्सप्रेस, रिक्वायर रिक्वायर समथिंग समथिंग, है ना। बट अब अगर अपन बात करें यहाँ पर अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन यहाँ पर इम्पोर्ट वाले कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। कि अब जैसे आप लिखते थे वहाँ पे वेयर एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस, है ना, तो अब अपने यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर सिंपली लिख लेंगे इम्पोर्ट एक्सप्रेस, है ना, फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि मैंने आपको ये चीज स्टार्टिंग में भी बताई थी, जब अपन नोट जेएस पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने क्या देखा था कि वहां पर अगर मुझे ऐसा इम्पोर्ट वाली फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना होता है, तो उस केस में फिर मुझे क्या करना पड़ता था, वहां पर डॉट MJS एक्सटेंशन का यूज करना पड़ता था अपनी फाइल में। और अगर उसका अल्टरनेटिव वे अगर देखें, तो फिर पैकेज डॉट जेएसएन में टाइप मॉड्यूल लिखना पड़ता था। एक्सप्रेस में इतना हुआ कि यहाँ पर अगर आपको यूज करनी है फंक्शनलिटी, है ना, तो उस केस में आप यहाँ पर भी सेम वही टाइप मॉड्यूल करके आप आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज रिक्वायर्स तो आपका काम हो ही रहा था, राइट। तो अपन करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर आकर मैंने सिंपली लिखा है टाइप, और टाइप में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो टाइप में मैंने यहाँ पे लिख दिया है मॉड्यूल। ठीक है, तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर टाइप, और टाइप में मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर मॉड्यूल। ठीक है, अपन यहाँ पर इसे सेव करते हैं। अब इसके बाद में मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो अपन थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर फ्रेम कर लेते हैं, है ना। अब स्ट्रक्चर कैसा, तो अब वो देखना है यहाँ पे ध्यान से। तो सबसे पहले अपन एक फाइल क्रिएट करते हैं बाय द नेम app.js। app.js नाम की एक फाइल रहेगी आपके पास में। फिर उसके बाद में अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर आकर मैंने बोला कि मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो फोल्डर के केस में मैंने लिखा है यहाँ पर कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर के बाद में अपन क्या करेंगे, तो एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं अपन यहाँ पर। तो उस फोल्डर का मैंने नाम रखा है राउटर। इसके अलावा अगर अपन बात करें अब और क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, तो राउटर के अलावा अपन यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं बाय द नेम मॉडल। ठीक है, इसके अलावा अपन एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पर बाय द नेम व्यूज। क्लियर है? तो व्यूज के अंदर तो क्या आ जाएगा आपके पास में, व्यूज आ जाएंगे सारे डॉट ईजेस एक्सटेंशन वाली फाइल। राउटर के अंदर आपका राउटर आ जाएगा, है ना। मॉडल के अंदर अपन कनेक्शन वगैरह एस्टेब्लिश कर लेंगे, और कंट्रोलर के अंदर बाकी की फंक्शनलिटी अपन यहाँ पर रख लेंगे, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर करेंगे क्या और कैसे। तो सबसे पहले तो अपन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एडमिन और यूजर बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ राउटर पे। राउटर पर आकर अपन दो फाइल क्रिएट कर लेते हैं, क्या यूजर राउटर डॉट जे एस
ठीक है। और एक और अपन बना लेते हैं यहाँ पे राउटर के अंदर ही, क्या एडमिन राउटर डॉट जे एस, राइट। ये दो चीजें मैंने यहाँ पे फ्रेम कर ली। मॉडल के अंदर अपन क्या कर लेंगे, मॉडल के अंदर आकर अपन यहाँ पर कनेक्शन के लिए लिख लेते हैं कनेक्शन डॉट जी एस, ठीक है। फाइल का नाम थोड़ा सा सही करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसा कुछ कर दिया। अब इसके अलावा अगर अपन बात करें और क्या, तो अपन अब आएंगे कंट्रोलर पे, तो कंट्रोलर के केस में अपन क्या करेंगे, तो कंट्रोलर के केस में भी अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, अपने यहाँ पर लिखते हैं एडमिन कंट्रोलर, अरे यार एडमिन कंट्रोलर डॉट जी एस, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अपने यहाँ पर लिखेंगे इसके अंदर ही कंट्रोलर के अंदर ही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है यूजर कंट्रोलर डॉट जीएस, राइट। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है कंट्रोलर के अंदर एडमिन कंट्रोलर डॉट जीएस, यूजर के अंदर मैंने क्या लिखा ठीक है, यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है एडमिन कंट्रोलर डॉट जीएस, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है यूजर कंट्रोलर डॉट जीएस, राइट। मॉडल की अगर अपन बात करें तो मॉडल में मैंने क्या लिखा है कनेक्शन डॉट जीएस, राउटर की अगर अपन बात करें तो मैंने क्या लिखा है एडमिन राउटर डॉट जीएस, यूजर राउटर डॉट जीएस। और फाइनली फिर अपन क्या करेंगे यहाँ पर व्यूज में मैंने क्या करा है, व्यूज में डॉट ईजीएस एक्सटेंशन वाली फाइल बना लेंगे और उसके बाद में एप डॉट जी एस, क्लियर है आता, ठीक है। फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये तो फंक्शनलिटी अपन ने यहाँ पर ऐसे इंप्लीमेंट करी है ना, ये तो कंसेप्ट आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसा देखने को मिल रहा है। अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो अब सबसे पहले अपन एप डॉट जी एस पर आते हैं और एप डॉट जी एस पर आकर अपनी जो बेसिक फंक्शनलिटी हमें लिखना रहती है अपन वो फंक्शनलिटी यहाँ पर लिख लेते हैं। अब बेसिक फंक्शनलिटी अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो अपन कैसे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हमने वहाँ पर टाइप के अंदर मॉड्यूल लिख के रखा हुआ है ना। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इम्पोर्ट डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन उसके भी पहले अगर अपन बात करें तो अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो अपन कुछ मॉड्यूल्स यहाँ पर क्या कर लेते हैं इम्पोर्ट कर लेते हैं, है ना। उसके लिए मुझे करना क्या रहेगा, यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा है यहाँ पर npm और npm के बाद में अपन क्या करेंगे इंस्टॉल, और npm इंस्टॉल के बाद में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है mysql2, ठीक है mysql2। अब इसके अलावा और क्या लगेगा, तो इसके अलावा लगेगा आपको एक्सप्रेस, ठीक है, तो आपको लगेगा यहाँ पर mysql2 लगेगा, आपको यहाँ पे लगेगा एक्सप्रेस लगेगा, राइट। और इसके अलावा तो इनिशियली अभी और कुछ लगेगा तो फिर वो अपन देख लेंगे, लेकिन मैं इन दो को तो इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो दो इंस्टॉल हो गए। अब ये दो इंस्टॉल होने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करना है हमें यहाँ पर, तो अब अपन आ जाते हैं वापस ऐप डॉट जी एस पर, और ऐप डॉट जी एस पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है वेर, वेर में मैंने लिखा है यहाँ पर एक्सप्रेस इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ पर रिक्वायर, और रिक्वायर में मैंने यहाँ पे क्या करा है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एक्सप्रेस, ठीक है। और उसके बाद में अपन क्या करेंगे वेर, वेर में मैंने एक सेकेंड अभी मैंने गड़बड़ करी, यहाँ पर अपन यहाँ पर इम्पोर्ट लिखेंगे, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में मैंने क्या करा है यहाँ पर एक्सप्रेस फ्रॉम, और अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अपन लिख लेंगे यहाँ पर एक्सप्रेस, इसमें किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब एक और चीज़ अपने को यहाँ पर यूज़ करना है, और उसके लिए इंस्टॉलेशन में अपन क्या लिखेंगे npm install express माइनस अपन वो लिखेंगे क्या अपना सेशन लिखना है हमें, है ना। तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं कुकी पार्सल के लिए, तो अपन कुकी पार्सल लिख देते हैं, है ना। इसके लिए अपन यहाँ पे सेशन के लिए क्या लिखते हैं सेशन पार्सल, ठीक है सेशन पार्सल लिखते हैं, एक्सप्रेस सेशन लिखता है, जैसे बॉडी पार्सल लिखते हैं, है ना, वैसे यहाँ पर एक्सप्रेस सेशन लिखेंगे, है ना। तो एक्सप्रेस सेशन मैंने लिखा है यहाँ पर, मैंने इंस्टॉल किया इसे, ठीक है, ये भी आ गया अपने पास में। अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो अब ध्यान से देखना, अपन अब यहाँ पर आए, मैंने इम्पोर्ट तो एक्सप्रेस कर लिया, फिर उसके बाद मैं क्या लिखूंगा वेर, मैंने लिखा ऐप, ऐप इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सप्रेस और ऐसा कुछ। अब इसके बाद में आप लिखेंगे ऐप डॉट लेसन, ऐप डॉट लेसन की केस में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा यहाँ पे 4000, या फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 3000, तो कॉमा करके अपन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद में अपन लिख लेंगे सिंपली अपना कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल, राइट।
अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या करना है हमें, तो अब यहाँ पर आने के बाद में हमें वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करना है जो हमने पार्ट्स में यहाँ पर अभी तक डिस्कस करी थी। जैसे हमने टेम्पलेट इंजन डिस्कस किया था, तो टेम्पलेट इंजन वाली फाइल को अपने को यहाँ पर मतलब उसके कंसेप्ट को यहाँ पर लिखना है। सेशन वाला कंसेप्ट लिखा था वो लिखना है ना। आपने मिडिलवेयर पढ़ा था वो लिखना है, आपने राउट का कंसेप्ट पढ़ा था तो वो कंसेप्ट यहाँ पर अपने को लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर वो लिखेंगे कैसे। एक सेकेंड यार, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है क्या? यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं अपन यहाँ पर अब करेंगे क्या और लिखेंगे कैसे। तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ध्यान से लिखना। अब अपन आते हैं यहाँ पर वेर, वेर में अपन क्या करेंगे, तो वेर की जगह अपन लिखते हैं एप डॉट सेट। अब एप डॉट सेट लिखूंगा, सेट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर। अब एक और चीज कि यहाँ पर हमने ईजेस इंस्टॉल नहीं किया आई थिंक, है ना। पैकेज डॉट जेसन में जाके देखो, एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस सेशन है, माई एसक्यूएल 2 है ना। अब मुझे यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, ई जे एस की भी है, तो एन पी एम आई ई जे एस। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो अब क्या, एप डॉट जेस पर मैं आया। अब एप डॉट जेस पर आने के बाद में मैंने लिखा है यहाँ पर सिंपली अपना व्यूज, कॉमा करके अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर व्यूज। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें अब एप डॉट, मैंने फिर से लिखा यहाँ पर सेट, सेट में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे व्यू इंजन, और कॉमा करके अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर ई जे एस। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर अगर अपन बात करिए तो मैंने ऐसा कुछ लिखा अब इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन एक काम और करते हैं, अपन लिखते हैं अपने इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में अपन क्या लिखेंगे, एक्सप्रेस सेशन है ना फ्रॉम, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, अपन लिख लेंगे एक्सप्रेस सेशन, ऐसा लिखा। अब एक्सप्रेस सेशन के लिए आपको क्या लिखना रहेगा, एप डॉट यूज। एप डॉट यूज में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक्सप्रेस सेशन। एक्सप्रेस सेशन के अंदर अब आपको क्या लिखना रहता है, आपको लिखना रहता है सीक्रेट। सीक्रेट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीक्रेट की मेंशन कर देंगे। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, कोई सी भी है सीक्रेट की ऐसे मेंशन यहाँ पर कर दी। ठीक है, अभी जो सीक्रेट की आपने यहाँ पर ऐसे मेंशन करी है, तो अपन एक काम ऐसा कर सकते हैं क्या कि मैं यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली यहीं पर आकर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ डॉट ई एन वी नाम से। अब इसके अंदर अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पे एस ई सी आर ई टी सीक्रेट, और सीक्रेट के अंदर अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, वो सीक्रेट की मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने सीक्रेट की यहाँ पे मेंशन करी, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर आया। अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो अब इसके लिए अपने को यहाँ पर आकर इंस्टॉल करना रहेगा क्या, एन पी एम आई डी ओ टी डॉट ई एन वी। ठीक है, अपने यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपने को यहाँ पर आकर लिखना रहेगा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में अपन लिखेंगे डॉट ई एन वी, फ्रॉम क्या आ जाएगा यहाँ पर डॉट ई एन वी, यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद में अपने को क्या करना रहेगा, तो अब यहाँ पर आकर आपको लिखना रहेगा डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फिग, आप इसको कॉल करेंगे। ठीक है, और अब उसके बाद में फिर क्या होगा यहाँ पर, डॉट ई एन वी डॉट कॉन्फिग लिखने के बाद में, तो अब आप यहाँ पर ऐसा लिखने के बाद में यहाँ पर सीक्रेट की प्लेस पर आएंगे, और सीक्रेट के प्लेस पर आने के बाद में यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, तो आप लिख देंगे प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट सीक्रेट, लिख सकते हैं ना अपन ऐसा, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट सीक्रेट, है ना। ये वहाँ पर भी आपने सीक्रेट ही लिखा था। सिमिलरली ये जो पोर्ट नंबर आपने लिखा हुआ है, इसमें भी अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट। मैंने उसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैं ई एन वी पर आता हूँ। यहाँ आकर मैं क्या कर दूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे लिख लूंगा पोर्ट, और पोर्ट में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है 3000। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर अगर अपन कॉमा वगैरह लगाए, तो कॉमा वगैरह वैसे लगाते नहीं है, आप बस ऐसे लिख देना। ठीक है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर एप डॉट जी एस पर, तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट लिख दिया, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट सीक्रेट मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके अलावा फिर आपने देखा था कि यहाँ पर अपन और क्या लिखते हैं, सेव अनइनिशियलाइज्ड, यहाँ पर अपन क्या करते हैं उसको ट्रू, और अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे रीसेव, और रीसेव में भी अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर ट्रू।
क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, तो ये तो इतना तो अपन लिखते ही है ना। अभी आपको पता होगा डॉट ईएनवी अपन ने क्यों लिखा है ना, ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। ठीक है, अब फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर उसके अलावा, ये भी आपको पता है एप डॉट सेट आपने क्यों लिखा है, एप डॉट यूज आपने क्यों लिखा है ना, ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अब अगर अपन बात करें हमें करना क्या है, तो अब इसके बाद में अगर अपन देखें तो अपन यहाँ पे लिखते हैं ऐप डॉट और अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं यूज, और ऐप डॉट यूज के बाद में अपन क्या करते हैं यहाँ पर लगाते हैं अपना फॉरवर्ड स्लैश, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर एडमिन। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मुझे यहाँ पर अब लिखना रहेगा एडमिन राउट है ना, तो मैंने लिख दिया एडमिन RoutER एडमिन राउटर। ठीक है, और सिमिलरली मैं क्या करूँगा, कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पर यूजर, मैं यहाँ पे भी क्या लिख लूंगा, यूजर राउटर। क्लियर है? अब इसके अलावा तो अभी एडमिन राउटर और यूजर राउटर कहाँ से आएंगे, तो ये मुझे बनाना रहेंगे, तो ये अपन कहाँ पे बनाएंगे, तो अपने राउटर वाले में अपन इसको बनाएंगे। जब मैं उसे बनाऊंगा तो मैं इस नाम से यहाँ पर उसको इम्पोर्ट कर लूंगा, और उसके बाद में फाइनली फिर अब आप करेंगे क्या, तो आप सिंपली लिखेंगे ऐप डॉट, आपने लिखा यहाँ पर गेट, और गेट के बाद में अब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश, आप यहाँ पे लगाएंगे कॉल बैक, कॉल बैक के अंदर अगर अपन बात करें तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और यहाँ आकर अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आकर आप सिंपली लिखेंगे क्या, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर में आपका कौन सा पेज यहाँ पर चलेगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इंडेक्स। क्लियर है यहाँ तक? इतनी चीजें आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। अब आप देखेंगे खुद कि यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स टुकड़े टुकड़े में पार्ट्स पार्ट्स में आपने पढ़े थे, डॉट टी एन वी अलग पढ़ा था जो आपने यूज किया है ना, आपने यहाँ पर ईजेस अलग पढ़ा था वो आपने यहाँ पे यूज किया, एक्सप्रेसेशन अलग पढ़ा था वो आपने यहाँ पे यूज किया, राउटर आपने अलग पढ़ा था वो आपने यहाँ पे यूज किया, आपने मिडलवेयर अलग पढ़ा था वो आपने यहाँ पर यूज किया, तो वो जितने कॉन्सेप्ट आपने उधर पढ़े थे इंडिविजुअली इंडिविजुअली उन्हीं को आप यहाँ पर मर्ज अप करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, आपके टास्क को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अब यहाँ पे ये जो इंडेक्स दे के रखा हुआ है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पे जो व्यूज है, इस व्यूज के अंदर अपन एक इंडेक्स वाली फाइल क्रिएट कर लेते हैं, मैंने लिखा इंडेक्स डॉट ईजेएस। ठीक है, और यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क देकर अपन ऐसा कुछ क्रिएट कर लेते हैं। अब इसके अंदर अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आकर सबसे पहले तो क्या मैंशन कर देता हूँ, अपन लिख लेते हैं यहाँ पर सेंटर, और सेंटर में आके मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया है एच टू, और H2 में अपन क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेस विथ माई SQL, एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेस विथ माई SQL, राइट। अब इसके अलावा अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है HR, फिर मैंने लिखा है यहाँ पर HR, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन लिखेंगे एंकर, एंकर में मैंने क्या करा है फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब फॉरवर्ड स्लैश पर आपके पास में क्या आएगा यहाँ पर, होम पेज रहेगा आपका है ना, और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें तो अब क्या होगा, होम के बाद में अपन क्या लिख लेंगे यहाँ पर, तो होम के बाद में अपन एक काम करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं REGISTER रजिस्टर। ठीक है, तो अपन रजिस्टर करवा लेंगे, और रजिस्टर के बाद में अपन क्या करवा लेंगे, लॉग इन, मतलब पहले रजिस्टर फिर बाद में लॉग इन। ठीक है, यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पर REGISTER रजिस्टर, और यहाँ पर आकर अपन क्या कर लेंगे, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे यहाँ तक। क्लियर है क्या, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इसको मैंने सेव किया, अब इसमें भी अपन थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे उस केस में, जब अपन इसको लॉग इन कर लेंगे तो आपको ईमेल मिल जाएगी, तो अपन यहाँ पर चेक कर लेंगे कि अगर नॉट ईमेल तो ये, और ईमेल तो फिर वो अपडेट, लॉग आउट और बाकी की चीज़ें। अपन यहाँ तक तो आ गए, अब यहाँ तक आने के बाद में मुझे करना क्या है, तो अब ध्यान से देखना, अब ये तो मैंने सिंपल सा ऐसा लिखा है, अब ये इंडेक्स वाली पेज अपन ने उधर फॉरवर्ड स्लैश पर रेंडर करवा लिया है ना, अब मुझे और क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो अपन आते हैं वापस से, और यहाँ आने के बाद में अगर अपन देखें तो मैं एडमिन राउट में आऊँगा, अब एडमिन राउट में आने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो एडमिन राउट में आने के बाद में भी मुझे लिखना रहेगा इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम क्या एक्सप्रेस, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे वेर में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर ADMIN एडमिन राउटर इक्वल्स टू, यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट राउटर, अब ऐसा लिखेंगे, और फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ पर लिखेंगे EXPORT एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और आप लिखेंगे एडमिन राउटर, वहाँ पर अपन क्या लिखते थे, वहाँ पर अपन लिखते थे आई थिंक मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स लिखते थे, और यहाँ पर अब आप इम्पोर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप नीचे क्या लिखोगे एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एडमिन राउटर, तो आपने ये ऐसा लिख दिया है यहाँ पर, कोई दिक्कत? ठीक है,
अब अगर अपन बात करें तो ये तो अभी इतना ही लिख के छोड़ते हैं अपन, इसको मैंने सेव किया। सिमिलरली मैं आता हूँ यूजर राउटर पे, यूजर राउटर पे अपन क्या करेंगे इम्पोर्ट एक्सप्रेस, और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम में मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया है एक्सप्रेस। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे तो अपन लिखेंगे वेयर, यहाँ पर लिखेंगे अपन यूजर राउटर, यूजर राउटर इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख लूंगा एक्सप्रेस डॉट, यहाँ पर अपन लिख लेंगे राउटर। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे तो मैंने लिखा है यूजर राउटर है ना, नहीं अपन यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे यूजर राउटर। ये यहाँ पर अब आपका एक्सपोर्ट्स नहीं आता है ना, यहाँ पर एक्सपोर्ट ही आता है, क्लियर है यहाँ तक। अब फिर अपन बात करें इसके अलावा अपने को और क्या करना है, तो अपन ने एप डॉट जी एस में लिखा, अपन ने डॉट ई एन वी में लिखा, हमने यहाँ पर इंडेक्स डॉट ई जे एस में लिखा, यूजर राउटर में लिखा, एडमिन राउटर में लिखा है ना। अब कनेक्शन पर आते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर इतना इतना लिखकर अपन एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, फिर तो उसके बाद में मेन बेसिक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए कोड आगे बढ़ाएंगे। अपन आते कनेक्शन पे, कनेक्शन के केस में आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इम्पोर्ट माई एस क्यू एल, कहाँ से, फ्रॉम माई एस क्यू एल टू से। आपने देखा था माई एस क्यू एल टू मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपका जो माई एस क्यू एल का सर्वर था वो आपका 8 वर्जन था है ना, मतलब 5.6 समथिंग से ऊपर अगर होता है ना, हायर वर्जन लेटेस्ट वर्जन है ना इस केस में होता है, तो उस केस में माई एस क्यू एल टू लिखना पड़ता है। अगर 5 वर्जन का होता तो आपका माई एस क्यू एल चल जाता। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, माई एस क्यू एल टू को मैंने यहाँ पर इम्पोर्ट किया, नाम मैंने दिया है यहाँ पर माई एस क्यू एल। अब उस केस में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कर दूंगा एक्सपोर्ट है ना, नहीं एक्सपोर्ट नहीं, अब अपन लिखेंगे यहाँ पर कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है सर्वर इंस्टांस, ठीक है। और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अपन लिखेंगे माई एस क्यू एल डॉट, अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे क्रिएट कनेक्शन, क्या लिखते क्रिएट सर्वर, सर्वर थोड़ी लिखना है अपने को, माई एस क्यू एल से अपन सर्वर थोड़ी क्रिएट कर रहे हैं, कनेक्शन है ना, यहाँ पर तो अपन कनेक्शन करेंगे ना, ठीक है, वहाँ पे तो अपन http डॉट क्रिएट सर्वर ऐसा कुछ लिखते थे। यहाँ पर अभी आपको माई एस क्यू एल से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट कनेक्शन, क्रिएट कनेक्शन के अंदर अब आएगा क्या यहाँ पर, तो आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अब आप क्या लिखते हैं यहाँ पर होस्ट, होस्ट में आप क्या लिखते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट के बाद में फिर क्या आएगा आपके पास में यहाँ पर, तो आप लिखते हो यहाँ पे यूज़र, यूज़र के बाद में आप क्या लिखते हैं यहाँ पे पासवर्ड, ऐसे करते हैं अपन है ना, और उसके बाद में फिर अपन क्या लिखते हैं यहाँ पर डेटा बेस, क्लियर है क्या यहाँ तक। अब अगर यूज़र की बात करें, यहाँ पर अपना यूज़र क्या रहेगा रूट, पासवर्ड भी क्या है रूट, और डेटा बेस के नाम की अगर अपन बात करें तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस डीबी, क्लियर है। अभी एक्सप्रेस डीबी मैंने मेंशन किया, मैंने इसको सेव किया, तो अपन एक काम करते हैं, जो एक्सप्रेस डीबी है तो एक्सप्रेस डीबी बना भी लेते हैं अपन। अब ये बनाना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आकर, तो माय एस क्यू एल वर्क बेंच पर आना रहेगा, अपन यहाँ पर माय एस क्यू एल वर्क बेंच पर आते हैं, ठीक है ये खुल गया यहाँ पर, अपन यहाँ पर आए, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो मुझे यहाँ पर एक्सप्रेस डीबी नाम से बनाना है, तो मैंने राइट क्लिक किया क्रिएट स्कीमा, क्रिएट स्कीमा में आकर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्या अपना एक्सप्रेस डीबी, ठीक है। एक्सप्रेस डीबी के बाद मैंने इसे क्या कर दिया यहाँ पर अप्लाई, मैंने कर दिया यहाँ पर अप्लाई, मैंने कर दिया इसे फिनिश, ठीक है। तभी एक्सप्रेस डीबी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर है। अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है, तो अब इसके अंदर बाकी की फंक्शनिटी अपन इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अपन आ जाते हैं वापस से है ना। ये तो अपन ने ऐसा एक्सप्रेस डीबी डेटाबेस बना दिया, अब इसके बाद में तो इसके बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे सर्वर इंस्टांस डॉट कनेक्ट, डॉट कनेक्ट के बाद में फिर क्या आता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास में ठीक है आता है एरर, ठीक है। और इस केस में आई थिंक आप एक ही चीज़ लिखते हो इफ एरर, नहीं तो एल्स है ना। यहाँ पर देखो आप कनेक्शन डॉट कनेक्ट, और कनेक्शन डॉट कनेक्ट में अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो कनेक्शन डॉट कनेक्ट में आप सिंपली ये बोल रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉल बैक है और वो एरर वाला। यहाँ पे ये क्रिएट कनेक्शन है, तो फंक्शन क्रिएट कनेक्शन, और बस ये दे के रखा हुआ है आपको, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं ये सर्वर इंस्टांस की जगह अपन कॉन लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉन,
ठीक है, कनेक्शन, ठीक है, तो कौन डॉट कनेक्ट। अपन यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, इफ, इफ में मैंने लिखा है यहाँ पर क्या एरर, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे लॉग, लॉग में आकर अपन क्या कर देंगे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरर व्हाइल है ना कनेक्ट, और यहाँ पर नहीं तो अपन क्या लिख देंगे एल्स, एल्स में आके अपन क्या लिख लेंगे कंसोल डॉट लॉग, और अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे कनेक्शन सक्सेसफुल, ठीक है, या अपन ऐसे लिख लेते कनेक्टेड टू, कनेक्टेड टू है ना MySQL डेटाबेस, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए। और इसके बाद में फिर अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर ये पॉइंट को पास कर दूंगा, क्लियर है यहाँ तक, ये तो अपन ऐसा लिख लिया। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या, तो अभी एडमिन कंट्रोलर है, यूजर कंट्रोलर है, इस पर अपने को फंक्शनिटी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे तो वो समझते हैं अपन यहाँ पे, अब ये एप डॉट जे एस दे के रखा हुआ है ना, और बाय डिफॉल्ट अब अपन करेंगे क्या, तो अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा एडमिन राउटर यूजर राउटर ये भी मेरे को यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेंगे ना, अब ये इम्पोर्ट करने के लिए अपन लिखेंगे क्या, तो अपन लिखेंगे सिंपली यहाँ पर मैंने लिखा ए डी एम आई एन एडमिन राउटर, मैंने ये लिखा तो ये इम्पोर्ट हो गया, मैंने लिखा यहाँ पर क्या यूजर राउटर ये लिखा तो ये इम्पोर्ट हो गया, यहाँ पर एडमिन राउटर भी आ गया, यूजर राउटर भी आ गया, एडमिन राउटर यूजर राउटर जिसको आपने यहाँ पे क्या कर लिया है यूज कर लिया, क्लियर है यहाँ तक। अपन एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं कि जितना लिखा है उससे अपना इंडेक्स वाला पेज आ भी रहा है या फिर नहीं, है ना, फिर समझते क्या करना है। अपन आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे लिखा npm और मैंने लिखा यहाँ पर यहाँ पर लिखते हैं अपन नोड है ना, और नोड में मैंने लिखा है app.js, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड है ना, अब कहाँ क्या गड़बड़ करी हमने, कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल और एडमिन राउटर, ठीक है। अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, अब आप देखिए यहाँ पे, अब जैसा कि आपको दिख रहा है जो एडमिन राउटर है आप app.js में है राइट, तो अपन आते हैं यहाँ पर ये जो देखिए रखा हुआ है राउटर राउटर है ना, और इसको हटाते हैं यहाँ से, मैंने यहाँ पे करा है डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश में तो अपन करंट फोल्डर से ही बाहर निकल गए, लिखा डॉट फॉरवर्ड स्लैश, डॉट फॉरवर्ड स्लैश में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे राउटर, यहाँ पर अपन लिखेंगे एडमिन राउटर, डॉट js लगाना रहेगा क्या, मैंने इसको सेव किया, वापस से आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको टर्मिनेट किया, स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैंने लिखा यहाँ पर क्या, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है npm node है ना app.js, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल है ना, सर्वर का कनेक्शन तो सक्सेसफुल हो गया। अब करना क्या है यहाँ पर, अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है क्या लोकल होस्ट 3000, आपको ये भी देखने को मिल रहा है, यही अपने को चाहिए था है ना, एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेस विद MySQL होम रजिस्टर और लॉगिन, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आए, अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर इसको टर्मिनेट किया, मैंने लिखा npm i node node mode, मैंने node mode को भी क्या कर लिया है इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, अब node mode को इंस्टॉल कर लिया। अब अपन एक काम और ये करते हैं कि अपन आते हैं यहाँ पर पैकेज डॉट json पे, और ये पैकेज डॉट json पर आने के बाद में अपन क्या कर लेते हैं, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं स्टार्ट, और स्टार्ट के बाद अपन यहाँ पे क्या लिख लेते हैं नोड मोन और एप डॉट जी एस, मैंने इसको सेव किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ का मैंने इसको रन किया है ना, अब अपने को करना कुछ नहीं, अब अपने को लिखना है सिर्फ npm start, ठीक है, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल, अपन आते हैं यहाँ पर आए, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद मुझे करना क्या है, तो मैं ऐसा चाह रहा था कि जो मेरा इंडेक्स डॉट जी एस है, इस इंडेक्स डॉट जी एस के अंदर ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ये सब किसके अंदर आ जाए, सेंटर टैग में आ जाए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया सेंटर टैग ओपन और क्लोज किया, मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये हो गया, क्लियर है क्या, ठीक है। अब अपन क्या चाहते हैं, अब अपन ये चाहते हैं कि अब यहाँ पे मैं अगर रजिस्टर करूँ तो वो रजिस्टर हो जाए और लॉग इन करूँ तो वो लॉग इन हो जाए, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
अब इसके अलावा अगर अपन बात करें कि ठीक है, ये तो अपन ने यूजर वाला कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया था, है ना, अपन ने यूजर और एडमिन लिख के रखा हुआ था, है ना। तो अपन अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मुझे इसको डिस्टिंग्विश करना है किसमें, किसमें एडमिन की केस में इसको कैसे रन करेंगे। यहाँ पे सिंपली अगर जो यूजर आएगा वो तो अपने आप को रजिस्टर कर लेगा, है ना, और जो ये है अपना कौन एडमिन, या यूजर रजिस्टर कर लेगा, यूजर लॉगिन कर लेगा। अब लेकिन एडमिन वाला जो है, एडमिन की केस में अपन कैसे करेंगे, तो अपन एक काम ऐसा करेंगे कि हाँ, या तो आप एक काम ऐसा करो कि एडमिन को बाय डिफॉल्ट ईमेल आईडी पासवर्ड दे दो कि वो लॉगिन करके डायरेक्टली अंदर वैसे एंटर कर जाए, या फिर आप एडमिन का भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लोगे। लेकिन एडमिन का वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना सही तरीका नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे तो हर कोई एडमिन की तरह रजिस्टर करके एडमिन बन जाएगा, तो पूरी फंक्शनलिटी उसको मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, आप सिंपली यहाँ पर लॉगिन की केस में एक उसको बाय डिफॉल्ट ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दोगे, है ना। और ईमेल आईडी पासवर्ड देने के साथ में क्या होगा कि आपको उसको चेक तो करवाना ही पड़ेगा ना, कि चेक तो आपको करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करवाते हो, है ना, तो फिर आप उसको एक्सेसिबिलिटी दोगे कैसे। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हो कि वो डायरेक्टली अंदर बिना लॉगिन के एंट्री कर जाएगा। अगर ऐसा कर गया तो फिर उसके साथ तो किसी और को अगर ऐसा पता लग गया तो हर कोई वैसे अंदर एंट्री कर जाएगा बिना लॉगिन पासवर्ड के। तो कम से कम एक कंसेंट तो रहेगा ईमेल आईडी और पासवर्ड का। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट एक सेट कर देंगे, फिर उसके बाद में आप उसको भी सेम तरीके से लॉगिन करवा देंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि या तो यहाँ पर ऑप्शन दे दो एडमिन और यूजर, यूजर पे क्लिक करेगा तो ये ऑप्शन आ जाएगा, और एडमिन पे क्लिक करेगा तो एडमिन के क्लिक के ऊपर आपके पास में उधर क्या ऑप्शन आ जाएंगे, तो भी आपको लॉगिन तो करवाना ही पड़ेगा। तो सेम एक ही लॉगिन से अपन काम कर लेंगे, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो यहाँ तक तो अपन आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर करवाना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे अगर रजिस्टर करवाना है तो रजिस्टर अपन करवाएंगे कैसे, तो अपन आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, आप जैसा कि आपको दिख रहा है एप डॉट जेएस पर आप आए। अब एप डॉट जेएस पर आने के बाद में अगर फॉरवर्ड स्लैश एडमिन आता है तो एडमिन राउट, फॉरवर्ड स्लैश यूजर आता है तो यूजर राउट। अब यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश पे तो ये इंडेक्स दे के रखा हुआ है। इंडेक्स पर अपन जब गए तो इंडेक्स पर आने के बाद में अपन यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में क्या दे के रखा हुआ है, यहाँ दे के रखा हुआ है रजिस्टर, और यहाँ दे के रखा हुआ है क्या आपका लॉग इन, ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो जब अपन यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करवाएंगे तो एक रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होना चाहिए। तो अब रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होना चाहिए, तो मैंने इस पूरे पेज को कॉपी किया और अपन यहाँ पर आते, या फिर चलो ठीक है मैं इसको सेव एज ही कर लेता हूँ ना। मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या रजिस्टर, अपन यहाँ पर आ गए इस पेज पे। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो मुझे यहाँ पर फिर से लिखना रहेगा सेंटर। सेंटर के अंदर अब अपन क्या करेंगे, तो एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे, है ना। रजिस्ट्रेशन पेज बनाने के लिए मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने लिख लिया है यहाँ पर फॉर्म। फॉर्म में के अंदर मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, टेबल। टेबल के अंदर मैंने क्या लिख लिया है यहाँ पर, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर टी हेड। टी हेड के अंदर मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा टी आर। टी हेड लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपन सिंपली क्या लिखते हैं यहाँ पर टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर क्या आएगा आपके पास में, टी आर। टी आर के अंदर क्या आएगा, टी डी। टी डी के अंदर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूजर नेम। और उसके अलावा आप क्या लिखेंगे टी डी के अंदर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इनपुट। इनपुट में आप क्या लिखेंगे, टाइप। टाइप में आप लिखेंगे टेक्स्ट, फिर उसके बाद में लिखेंगे आप प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में आप लिखेंगे एंटर यूजर नेम, राइट। फिर उसके बाद आपने क्या लिख लिया है, नेम। नेम में आपने क्या लिख लिया है यहाँ पर, आपने लिख लिया यहाँ पे यूजर नेम, क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो आपने ऐसा कुछ करा है, आपने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, पेस्ट। पेस्ट और पेस्ट, राइट। मैंने यहाँ पर आ गए, यूजर नेम तो मेरे पास में आ गया है। यूजर नेम के बाद में मैं करूँगा क्या, मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है क्या, ईमेल। ईमेल के बाद में अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है ईमेल, एंटर। यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास में, ईमेल। यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ईमेल। तो ईमेल के बाद में क्या आएगा यहाँ पर, तो ईमेल के बाद में आएगा आपके पास में पासवर्ड। आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर आकर मैंने लिख लिया है क्या, पासवर्ड। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे पासवर्ड। यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है पासवर्ड। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अब ये हो गया। अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आएगा आपके पास में क्या, एड्रेस। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आकर आपने क्या लिख लिया है, एड्रेस। और यहाँ पर आकर आप क्या लिख लेंगे, एंटर एड्रेस, क्लियर है क्या। तो ये मैंने क्या करा है यहाँ पर, एड्रेस मैंने लिखा है एंटर एड्रेस, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, नेम में एड्रेस, राइट। आप ज्यादा से ज्यादा एक काम ऐसा कर सकते हो कि आप यहाँ पर इनपुट ना लिखते हुए आप लिख लो टेक्स्ट एरिया। टाइप आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। नेम प्लेस होल्डर तो है ही, तो
नेम भी है यहाँ पर, आप और क्या लिख लेना, आप इसको क्लोज कर देना यहाँ पर टेक्स्ट एरिया। अब इसके बाद में फिर आपको किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, तो इसके बाद में आपको यहाँ पर बटन की रिक्वायरमेंट लगेगी। अब यहाँ पर आकर तो आप कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पर आकर आप क्या करेंगे, तो आप लिख लेंगे यहाँ पर SUBMIT सबमिट, प्लेस होल्डर तो बटन पर आता नहीं है, तो उसके इसमें आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू, वैल्यू में आपने क्या लिख लिया यहाँ पर, आपने लिखा है यहाँ पे रजिस्टर, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो वैल्यू में रजिस्टर लिख लिया बस। इसके अलावा आपने कॉपी किया, कॉपी करके आप यहाँ पर आए, आकर आप क्या लिख लेंगे, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे रीसेट, और यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे, रीसेट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आपने ऐसा कुछ लिख लिया। अगर आपको उसको थोड़ा सा अच्छा दिखाना है, तो आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि आप यहाँ पर आकर आपने लिखा है स्टाइल, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर इनपुट, इनपुट के अंदर अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो इनपुट के अंदर आपने लिख दिया है क्या, अपनी हाइट, हाइट में आपने कितना कर दिया यहाँ पर, तो हाइट में कर दिया 30 px। ठीक है, विड्थ, तो विड्थ में आपने कितना कर दिया है, 300 px। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर देंगे यहाँ पर मार्जिन, मार्जिन आपने कर दिया है यहाँ पर 5 px। क्लियर है? आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आए, आपने इसको रिफ्रेश किया, आपने रजिस्टर पे क्लिक किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर रजिस्टर पे अपन ने चीज़ें हैंडल नहीं करी, आई थिंक, देखते हैं अपन एक बार इसको वापस से आते, ये चीज़ें तो समझ में आई यहाँ तक। अपन आते हैं यहाँ पर, अब एक बार फ्लो समझ लेते हैं कि अपन यहाँ पर आए app.js पर, यहाँ आकर ये फॉरवर्ड स्लैश मिला, मुझे इंडेक्स मिल गया, तो मैं इंडेक्स पर आया, इंडेक्स पर आने के बाद में फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, तो इंडेक्स पर आने के बाद में अपन यहाँ पर आए, है ना। अब यहाँ पर देखे रखा हुआ है रजिस्टर, अभी रजिस्टर के लिए मैंने तो उधर कुछ लिखा ही नहीं है ना, है ना, तो अभी रजिस्टर मिलेगा कहाँ से, है ना, क्या, हाँ ये व्यूज फोल्डर में तो है, लेकिन रजिस्टर के केस में अगर ये रजिस्टर हिट होता है, आपने से रजिस्टर को हिट किया, ये ऊपर फॉरवर्ड स्लैश रजिस्टर तो आ गया, ये चीज़ आपने मैनेज कहाँ करी, अब उसके लिए आपको क्या करना रहेगा, अब आप एक काम करें, आप रजिस्टर तो अपन से यूज़र का ही करवा रहे ना, सब यूज़र का ही करवा रहे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉरवर्ड स्लैश यूज़र, है ना, तो फॉरवर्ड स्लैश मैंने यूज़र लिखा, तो फॉरवर्ड स्लैश मैंने यूज़र लिखा, तो उसके इसमें क्या होगा, तो वो आएगा कहाँ पर, app.js, अब वो देखिएगा यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश यूज़र, तो उसके इसमें वो कहाँ जाएगा, यूज़र राउटर, मतलब वो आ जाएगा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर आकर आपको क्या लिखना रहेगा, यूज़र राउटर डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर गेट, और गेट में आप क्या करेंगे फॉरवर्ड स्लैश रजिस्टर, रजिस्टर उसको अगर मिलता है तो उसके इसमें आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर आप लिखेंगे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स के बाद में आप लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और रेंडर में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो रेंडर में आप सिंपली लिखेंगे क्या, REGISTER रजिस्टर डॉट js, EJS, या रजिस्टर भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, EJS लिख दोगे तो भी चल जाएगा। मैंने उसको सेव किया, चलाकर देखते हैं क्या सब कुछ सही है क्या, आप देखेंगे यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली सेव होते जा रहा है, बार बार आपको इसको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कि आपने यहाँ पे देखो जैसे इसको सेव किया तो अपने आप यहाँ पे चल गया। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर आने के बाद में 3000 पर हिट किया, मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया, तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ये आपका यूज़र, यूज़र के अंदर आपको रजिस्टर मिल गया। अब ये देखो ये साइड में कैसे आ गया, तो अब इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा पहली चीज़, दूसरी चीज़ आप इसको थोड़ा सा 100% पर लेकर आए तो ये ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, अब इस केस में अपन करेंगे क्या, तो ये इसको नीचे करना है हमें यहाँ पर, index.js पर आए, नहीं register.ejs पर आए, यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे कि ये साइड में कैसे आ रहा है, अपन ने एक ही कॉलम में लिखा है ना उसे, तो अपन एक काम करते हैं यहाँ पर आकर अपन कर देते हैं क्या br। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया, अब यहाँ पर ये जो यूज़र नेम देके रखा है ये सही करना है अपने को, वापस से अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर ये यूज़र नेम नहीं, यहाँ पर आएगा एड्रेस, राइट, अपन अगर इसको ऐसा लिख दे कि एड्रेस, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर रहेगा, एड्रेस लिख कर अगर ऐसा एड्रेस लिख दे तो, है ना, अपन एक काम करते हैं यहाँ से इसको हटाते, बनाते हैं यहाँ पर इससे, यहाँ से पासवर्ड हटाते, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है पासवर्ड, मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या br, यहाँ पर आकर मैंने इसे हटाया, मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्या ईमेल, मैंने लिख दिया है br, और यहाँ से आकर मैंने यहाँ पर क्या हटा दिया है इसे, मैंने यहाँ पर आकर क्या लिख दिया है यूज़र नेम, और मैंने लिख दिया है br। ठीक है, आप देखेंगे ये ऐसा दिख रहा है, अब उस केस में आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा जो TD दे के रखा हुआ है आप इसको हटाओगे, आप यहाँ पर आकर रिफ्रेश करोगे तो ये ऐसा आ जाएगा।
अब इस केस में आपको करना क्या रहेगा, अब इस केस में ये जो एड्रेस देके रखा हुआ है इसको आपको मैनेज करना रहेगा। अब इसको मैनेज करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, तो इसको मैनेज करने के लिए यू सिंपली नीड टू राइट रोज एंड कॉल्स, है ना। आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, रोज, रोज में आपने कितना लिखा, तो आपने लिख लिया यहाँ पर 3। और फिर अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल्स, कॉल्स में आपने कितना लिख लिया है 20। आपने इसको सेव किया, आप रन करेंगे, ऐसा हुआ, कॉलम्स और बढ़ाने पड़ेंगे, मैंने लिखा 40। आप देखेंगे ये ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या, ये ऐसा कुछ आपको देकर रखा हुआ है ना, जिसमें आपको क्या मिल गया है यहाँ पर, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, रजिस्टर और रीसेट, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को ऐसे मिल रहे हैं। आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम लिख देंगे, आपको जो लिखना है आप यहाँ पे एंड्रू एंडरसन, है ना, आप यहाँ पर ये ईमेल आईडी लिख दोगे, यहाँ पर पासवर्ड आप लिख दोगे, और पासवर्ड के बाद में आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, आपका एड्रेस लिख दोगे, और फाइनली आप क्या करोगे यहाँ पर रजिस्टर या फिर आप रीसेट पे क्लिक कर दोगे, क्लियर है। अब इसके ऊपर अगर आपको नाम देना है तो आप नाम दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन पेज, है ना। तो उसके लिए आपको करना क्या रहेगा, तो यू सिंपली नीड टू राइट कैप्शन, और कैप्शन में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने सिंपली यहाँ पे कैप्शन में लिख दिया है क्या, अपना H3 के अंदर लिख दिया REGISTRATION रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैंने उसको सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली अब आप इसको किसके लिए करेंगे, तो आप लॉगिन के लिए भी करेंगे, लॉगिन भी तो बनाना पड़ेगा, तो अब आप करेंगे क्या, आपने उसको सेव किया, सेव करके आपने यहाँ पर इसको क्या करा है, यहाँ पर आपने इसको मतलब सेव एस किया और आपने लिख दिया है क्या लॉगिन। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ आकर आप क्या करेंगे, तो आपने लिखा है यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर क्या आएगा, तो लॉगिन में आपके पास में यूजर नेम तो आएगा नहीं, आपने इसे हटा दिया, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा, एड्रेस तो आएगा नहीं, तो आपने एड्रेस को भी हटा दिया। फाइनली फिर अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यू सिंपली नीड टू राइट लॉगिन, ठीक है। अब लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर आकर आप आएंगे अपने यूजर राउटर में, और यूजर राउटर में आकर आप क्या करेंगे, आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, यू सिंपली नीड टू राइट लॉग इन हियर, यहाँ पर आकर आप क्या लिखेंगे लॉग इन, ठीक है। आप डॉट EGIS नहीं भी लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर बाय डिफॉल्ट EGIS कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि आपने व्यूज में व्यूज और टेम्पलेट व्यू इंजन में EGIS लिख के। आपको एक काम और करना रहेगा, यहाँ पर आकर इंडेक्स पर, यहाँ पे ये लॉगिन है ना, अब लॉगिन के केस में अगर अपन बात करें तो अपन ने क्या बनाया है उसको, एडमिन भी लॉगिन करेगा इसे, है ना। तो अपन एक काम करते हैं, उसी में ले जाते हैं ना, लॉगिन ही तो करवाना है ना, तो एडमिन भी तो एज ए यूजर ही कंसिडर होगा, वो तो फंक्शनलिटी जब होगी तब उसको उसके अलग राउट में ले जाएंगे, वन टाइम उसको लॉगिन के केस में तो उधर ही लेकर चले जाते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर भी कर दिया है क्या यूजर, अदरवाइज फिर अपने को क्या करना रहेगा, उसके लिए फिर अलग बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं एडमिन अलग यूजर अलग, तो फिर आप एडमिन में भी लॉगिन के लिए वही कंसेप्ट लिखेंगे और यूजर के लिए भी लिखेंगे, लेकिन फिर आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक ही लॉगिन से वो जा किधर रहा है। आपने तो लॉगिन फॉर्म दे दिया, आपने यूजर की ईमेल आईडी पासवर्ड लिखा और आपने एडमिन का यूजर आईडी और पासवर्ड लिखा, तो आपको कैसे पता कि किसको कहाँ पे बाइफरकेट करना है, तो आपको ले जाना तो एक ही जगह है। या तो आप एक काम करो कि जनरलाइज मैनर में लॉगिन के लिए एक अलग से राउट बनाकर वहां पे चीजें मेंटेन करो, या फिर किसी ना किसी एक में आपको ये चीज मेंटेन करना पड़ेगी, तो अपन वो चीज यूजर में ही मेंटेन कर लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा लॉगिन के केस में आपको एडमिन के लिए कोई फाइल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर है यहाँ तक, समझेंगे। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर अपन चेंज कर लेंगे, अदरवाइज वो चल जाएगा। तो अब ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पर, अब इसके बाद में करना क्या है, तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। मैंने इसे यहाँ पर रन किया, रजिस्टर पे क्लिक करने पर रजिस्टर आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक करने पर देखो अभी ये कैन नॉट गेट लॉगिन। अब करना क्या है, यहाँ पर अपन वापस से आते हैं, यहाँ पे अपन देखते हैं app.gs, आप फॉरवर्ड स्लैश पे इंडेक्स पर तो आ गए। अब इंडेक्स पर आने के बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप जब इंडेक्स पर आए हैं तो अब इंडेक्स से आप कहाँ जाएंगे, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर क्या लिखा हुआ है यूजर, और यूजर के बाद में क्या लिखा हुआ है लॉगिन। अब यूजर के बाद में लॉगिन लिखा है तो उससे आप वापस आएंगे app.js पर, यहाँ पर देके रखा है क्या यूजर, यूजर देके रखा है तो यूजर राउटर पर यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो यूजर राउटर पर आने के बाद में यहाँ पर गेट फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट रेंडर लॉगिन लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है .egs लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में एक काम और करते हैं, लॉगिन पर आकर यहाँ पर अपने को क्या लिखना रहेगा,
लॉगिन वाला पेज अपन ने बनाया है ना। हाँ ठीक है ठीक है, मैंने इसको सेव किया। देखते हैं अपन एक बार फिर से इसको चलाकर। अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा लॉगिन, तो लॉगिन पे क्लिक करने पे लॉगिन फॉर्म आ गया। अब लेकिन एक चीज़ ये समझ में आई कि डॉट ई जे एस हटाया तो नहीं चला, लगाया तो वो चल गया। अब इस केस में अपन एक काम ये करते कि मैं यहाँ पे अपने यूज़र पर आता हूँ, और यूज़र पर आने के बाद में यहाँ पर भी अपन क्या लिखते हैं, तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर लिखते हैं यूज़र राउटर है ना डॉट, अपन क्या करेंगे यहाँ पर सेट, और सेट में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो मैंने लिखा है यहाँ पे व्यूज़, कॉमा करके मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर व्यूज़, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूँगा, कॉपी करा मैंने इसको, पेस्ट किया, मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूँगा व्यू ई एन जी आई एन इंजिन, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे ई जे एस। और अब अगर मैं यहाँ से इसको डॉट ई जे एस और इसको हटाता हूँ यहाँ से, मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर आकर सिंपली क्या चलाया है 3000। अपन यहाँ पर आए, अपन एक बार देखते हैं यहाँ पर अपन सब कुछ सही है। यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ हुई है, यूजर राउटर डॉट सेट इज नॉट अ फंक्शन, और वापस से आते हैं यहाँ पर, और उसमें अपन क्या लिखते हैं, ये ऐप डॉट सेट, हाँ तो अब वो करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पर अपन आते हैं यहाँ पे यूजर राउटर पे, यहाँ पर आकर अपन क्या लिखेंगे इम्पोर्ट, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे एक्सप्रेस, सॉरी ये तो लिखा हुआ ही है ना, अपने यहाँ पे लिखेंगे वेर ऐप इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में एक्सप्रेस, और यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे तो एक्सप्रेस डॉट ऐप डॉट सेट। ठीक है, अपन देखते हैं एक बार इससे क्या सब कुछ सही है क्या। बनाते हैं यहाँ पर, ये सक्सेसफुल हो गया, अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, अपन यहाँ तक तो आ गए, मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, ये रजिस्टर आ गया, लॉगिन पे क्लिक किया तो लॉगिन पे गड़बड़ दे रहा है वो, रजिस्टर पर रजिस्टर आ गया, यूज़र रजिस्टर। अच्छा अभी देखो यहाँ पे ये यूज़र नहीं आ रहा है, कहीं गड़बड़ करी अपन ने, हाँ गड़बड़ कहाँ करी है, तो अपन ने जो गड़बड़ करी है वो गड़बड़ ये है कि अपन इंडेक्स पर आए, अब इंडेक्स पर अपने लिखा तो है यहाँ पे यूजर लॉगिन, यूजर और लॉगिन, अपन आते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आएंगे यूजर, और यहाँ से यूजर राउटर पर जाएंगे, और यूजर राउटर पर जाने के बाद में यहाँ पे क्या देख रखा हुआ है, यूजर राउटर डॉट गेट फॉरवर्ड स्लैश लॉगिन, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन, बनाते हैं यहाँ पर एक बार इसको देखते हैं यहाँ पे डॉट ई जे एस, बनाते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, मैं होम पर आया, रजिस्टर पर आया, लॉगिन पर आया, ये यहाँ पे लॉगिन जो है ना आपका, ये लॉगिन यहाँ पे ये चल नहीं रहा है, ये देखो यहाँ पे यूजर लिखा हुआ ही नहीं आ रहा है। रजिस्टर पे आपने क्लिक किया तो अब ये भी नहीं आ रहा है। अच्छा अपन ने गड़बड़ करी है, ठीक है गड़बड़ कहाँ करी है, गड़बड़ ये गड़बड़ हमने पहले भी करी थी एक बार, अपन यहाँ पर इंडेक्स पर आए, इंडेक्स पर तो आपने लिख दिया फॉरवर्ड स्लैश यूजर है ना, लेकिन अब जब आप लॉगिन पर आएंगे तो यहाँ पर भी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है आपने उसको सेव किया, अब यहाँ पर रजिस्टर पर आएंगे, यहाँ पर भी आपको क्या लिखना रहेगा फॉरवर्ड स्लैश यूजर, यहाँ पे भी आपको क्या लिखना रहेगा फॉरवर्ड स्लैश यूजर, ठीक है अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, अब एक बार इन सबको हटा कर चला कर देखते हैं, जैसे ये तो मैंने कर दिया, इसको मैंने कमेंट कर दिया ना, ये तो इसी के लिए लिखा था, यहाँ पर आकर मैंने अब क्या करा है, मैंने यहाँ से ई जे एस हटा दिया, मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आकर मैंने इसको करा रिफ्रेश, अपन आते हैं होम पे, तो होम पर ये मैंने करा रजिस्टर, तो रजिस्टर पर आ गया, लॉग इन पे किया तो लॉग इन पर, समझ में आया, आपको वैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपन यहाँ से इसको हटा देते हैं। क्लियर किया यहाँ तक सभी को, ठीक है ये तो अपन ने ऐसा कुछ कर दिया कि यहाँ पर रजिस्टर पर रजिस्टर और लॉगिन पे लॉगिन। अब अगर अपन बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पे रजिस्टर पर तो आ गए, रजिस्टर का पेज तो आ गया, अब रजिस्टर का पेज आ गया है तो रजिस्टर के पेज पर अब अपन क्या करेंगे, तो ये जो रजिस्टर का पेज दे के रखा हुआ है तो
अब यहाँ पर एक्शन देके रखी हुई है। अब एक्शन से आप जाएंगे कहाँ पर, अब एक्शन से आपको कहाँ जाना है, तो एक्शन से आप यहाँ पे लिखेंगे फॉरवर्ड स्लैश, आप लिखेंगे यहाँ पे यूजर है ना, और फॉरवर्ड स्लैश आप क्या लिखेंगे, REGISTR रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे मैथड, मैथड में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर पोस्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा, तो अपन यूजर पे चलते हैं और रजिस्टर नाम पर क्या बनाते हैं राउट। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पे यूजर कंट्रोलर नहीं, मैं यहाँ पर आया यूजर राउटर पे, और यूजर राउटर पर आकर अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे यूजर राउटर डॉट, मैंने क्या लिखा यहाँ पर पोस्ट, और पोस्ट के अंदर अपन क्या करेंगे फॉरवर्ड स्लैश, मैंने लिखा यहाँ पे रजिस्टर, कॉमा करके अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अपने को सारी फंक्शनलिटी लिखना है, जिसमें मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो REQUESTA रिक्वेस्ट कॉमा RESPONSE रिस्पॉन्स। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को। यहाँ पर आने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, अपन सबसे पहले प्रिंट करवा देते हैं क्या कंसोल, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया है लॉग। अब लॉग में मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो लॉग में अपन प्रिंट करवा लेते हैं क्या REQUESTA रिक्वेस्ट डॉट BODY रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। क्लियर है यहाँ तक, मैंने ऐसा कुछ लिखा। अब ऐसा लिखने के बाद में अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करके मैं रजिस्टर पर आया, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर एंड्रयू एंडरसन, ठीक है। अब ईमेल में क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, तो ईमेल में अपन ने लिख लिया यहाँ पर andrew@gmail.com, मैंने लिख लिया andrew@12345 इंदौर, मैंने करा रजिस्टर, रजिस्टर पर मैंने क्लिक कर दिया। अब रजिस्टर पर मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर ये प्रोसेस हो रहा है, अपन यहाँ पर आकर देखते हैं, तो मुझे क्या मिला है यहाँ पर अनडिफाइंड मिला। अब ये अनडिफाइंड क्यों मिला है यहाँ पर, अपन ने यहाँ पर मेथड पोस्ट लिख के रखी हुई थी ना, अपन अब आते हैं वापस से यहाँ पर, हाँ बॉडी पार्ट, ठीक है। अपन अब यहाँ पर आए app.js, अब अपने को क्या करना रहेगा यहाँ पर आकर, तो अपने को वापस से इसको टर्मिनेट करना रहेगा, यू नीड टू सिंपली इंस्टॉल बॉडी पार्सर, ठीक है। बॉडी पार्सर आपने इंस्टॉल कर लिया, बॉडी पार्सर के लिए आपको यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर भी अब आपको लिखना पड़ेगा BODY बॉडी पार्सर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास में बॉडी पार्सर, ठीक है। बॉडी पार्सर लिखने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर ऐप डॉट, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे यूज है ना, और ऐप डॉट यूज में आप क्या लिखोगे यहाँ पे बॉडी पार्सर डॉट जेसन, ठीक है। और उसके अलावा तो ऐप डॉट यूज, और अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अपन यहाँ पे लिखेंगे वही बॉडी पार्सर डॉट URL इनकोडेड, और URL इनकोडेड के अंदर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो आप लिखेंगे एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे ट्रू। अब लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, क्या आप एक्सप्रेस वाला यूज कर लो, तो आप इसको तो कर दो कमेंट, इसको भी कर दो यहाँ पर कमेंट, और इसकी जगह आप यहाँ पे क्या यूज कर लो एक्सप्रेस, एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड एक्सटेंडेड, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो अपन ने ऐसा कुछ लिखा, अब इसके अलावा तो अपन एक बार आप इसको फिर से चलाकर देखते, तो चलाकर देखने के लिए अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या करा npm start, अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ आने के बाद में अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन वापस से 3000 पर इसे हिट करते, अपन आते हैं यहाँ पर रजिस्टर पे, रजिस्टर पर आने के बाद अपन क्या लिखेंगे वही एंड्रयू एंडरसन है ना, वही andrew@gmail.com andrew@12345 अपन आते हैं रजिस्टर, ठीक है। यहाँ पर मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, अपन आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। आपने सिर्फ वहाँ पर प्रिंट करवाया, आपने कहीं पर भी रिस्पॉन्स नहीं भेजा है, है ना। यहाँ पे ये यूजर राउटर है, इसमें आपने क्या करा है यहाँ पर, आपने यहाँ पर जाकर है ना ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को कंसोल करवाया है, इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर ये बस ऐसा प्रोसेसिंग हो रहा है, बाकी आप देखेंगे आपको आउटपुट मिल गया है, और आउटपुट में आपके पास में क्या आ गया है, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसी चीज को आपको लिखना कैसे, तो ध्यान से देखना इधर, अब ये जो आपने लिखा है ना यहाँ पर, अब ये तो चलो ठीक है, ये तो पेज है, ठीक है, लेकिन अब मैं करूंगा क्या, तो ध्यान से देखना, ये जितनी चीज लिखी है ना ये यहाँ पर, ये आप क्या कर रहे हो रजिस्टर करवा रहे हो ना, तो आप इसको क्या करोगे यहाँ से कट, कट करा, कट करने के बाद में आप आओगे यहाँ पर यूजर कंट्रोलर पे, यहाँ पर आप आ गए, यहाँ पर आकर आप लिखोगे एक्सपोर्ट है ना कॉन्स्ट,
आप क्या लिखोगे यहाँ पे, यूजर रजिस्ट्रेशन, और आप उसको कर दोगे यहाँ पर पोस्ट। आप क्या लिखोगे, एक्सपोर्ट कॉन्स यूजर रजिस्ट्रेशन, और आपने कर दिया इसको ऐसा कुछ। एक्सपोर्ट करवा रहे हो और कॉन्स लिख रहे हो, ये क्या हो जाएगा, नेम्ड एक्सपोर्ट। अब आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में आप क्या लिखेंगे, आपने क्या लिखा यहाँ पे, यूजर रजिस्ट्रेशन, ये देखो ये आ गया। और अब एक चीज याद रखना, अगर ये नेम्ड है तो नेम्ड को आपको किसमें लिखना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस में। वहां पे मैंने कॉन्स लगाया ना, डिफॉल्ट के केस में तो आप डायरेक्टली लिख रहे थे ना, यहाँ पर आपने ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि वो वहां पर आपने नेम्ड एक्सपोर्ट लगाया, कॉन्स लिख दिया वहां पर। अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आकर आप सिंपली लिख देंगे यूजर रजिस्ट्रेशन। तो अब इस केस में आप देखो आपका कोड कितना ब्रेक हो गया, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर आप पूरा एमवीसी कंसेप्ट फॉलो कर रहे हो। एमवीसी मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, है ना, मॉडल मतलब डेटाबेस से रिलेटेड जो आपके बिजनेस लॉजिक्स होंगे वो, है ना, व्यू मतलब व्यू, और कंट्रोलर मतलब जो दोनों के बीच में क्या करेगा, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगा, किसका, व्यू और मॉडल के बीच में। तो आपने मॉडल अलग बना दिया कनेक्टिविटी के लिए, आपने यहाँ पर व्यूज अलग बना दिया और कंट्रोलर आपने अलग बना दिया, तो हो गया ना। आप खुद देखें यहाँ पर आपके फोल्डर में ही दिख रहा है आपको, है ना, M for model, V for view, C for controller। इनिशियली अगर देखा जाए तो पहले आपका क्या वन टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर, थ्री टायर आर्किटेक्चर, एन टायर आर्किटेक्चर चलते थे। इन सारे टायर आर्किटेक्चर को ओवरकम करते हुए एमवीसी कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। वन टायर मतलब आपका फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, सारी चीजें, है ना, मतलब आपका एक ही सिस्टम पे होता था। टू टायर में अलग अलग हुए, थ्री टायर में और अलग कंसेप्ट आया, एन टायर में अलग अलग आया, ऐसे करते हुए फिर उसको ओवरकम करते हुए एमवीसी का कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। तो अब इसमें अगर आपने ये ऐसा लिखा है तो आप इसको भी एक बार चला कर देख लो यहाँ पर क्या चल रहा है क्या। अब आते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रन किया, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको टर्मिनेट किया मैंने, अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, मॉड्यूल उसको नहीं मिल रहा है, यूजर कंट्रोलर, है ना, यूजर राउटर डॉट जेएस, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर अपन क्या करेंगे, यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस लगाते हैं यहाँ पे, तो ये डॉट जेएस लगाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल आ गया, है ना, सर्वर कनेक्शन सक्सेसफुल के बाद में अपन यहाँ पर आए, मैंने इसको हिट किया, अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, आपने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, आप आकर देख लो यहाँ पर आपको मिल गया, क्लियर है यहाँ तक, है ना, मतलब वैसा कर रहा था तो भी सही है, ऐसा कर रहा तो भी सही है। तो अपन ये वाले अप्रोच को फॉलो करेंगे जिसमें आपको राउटर में ज्यादा नहीं लिखना पड़े, बस आप इतना लिख के छोड़ दोगे और इससे डायरेक्टली आप कहाँ जंप कर जाओगे, कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में भी यहाँ पे सारी चीजें आप मेंशन कर लो। अपडेट चलाना है इसके अंदर, अपडेट का कोड लिख दो, डिलीट चलाना है डिलीट का कोड लिख दो, बाकी सारी चीजें मल्टीपल बनेंगे, ये भी मैंने सिर्फ एक ही चलाकर बताया। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ अभी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को लिखा है, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो जो आपने कनेक्शन उधर एस्टेब्लिश करा है तो उसको आप इम्पोर्ट करेंगे, तो बस करना कुछ नहीं, वो कनेक्ट डॉट एसक्यूएल या क्वेरी अपन क्या लिखते हैं, है ना, कॉन डॉट क्वेरी लिखते हैं, आई थिंक क्वेरी लिखते हैं ना, क्वेरी नाम की मेथड होती है ना माई एसक्यूएल में कनेक्टिविटी क्वेरीज को फायर करने के लिए, तो वो ऐसा लिखेंगे अपन और बाकी की फंक्शनलिटी यहाँ पर परफॉर्म कर लेंगे, राइट। तो आज का सेशन अपन यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जितना अपन ने ये कंसेप्ट इम्प्लीमेंट किया है उतना कंसेप्ट आपको एक बार चलाकर देखना है, है ना, क्योंकि अभी इतना हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में इससे और ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसके बाद में चीज़ें संभलेंगी नहीं, इसलिए आप जितना हो गया है उतना चलाकर देखिए, राइट। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।